मतलब पीछे आ जाओ, ग्रुप बड़ा होएगा, पीछे आ जाओ तभी मिलेगा सबको। पीछे आओ, अरे पीछे आओ रे, ग्रुप बड़ा है, पीछे आओ, समझ नहीं रहा है क्या तुम लोग? थोड़ा पीछे पीछे देख, और पीछे लेना, सब पीछे पीछे जा, पीछे जा बाबू, पीछे जा बाबू, पीछे जा। ये सब लोग केक सेरेमनी में आ, सब लोग इधर आ जाओ, सब एक सेंटर में आ जाइए। हैप्पी बर्थडे टू ये भी वैसे क्या बहुत अच्छे ग्रुप में थे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई भाई बच गया। ओ भाई सर कहां कर लो, ये हाथ हटाना यार अभिषेक, इधर टूल हाथ से आकाश अभी आग लगाएंगे नहीं, मैं अंदर लगा दिया। सेंटर लो, इधर 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 इधर
जल गया मुंह जल गया आपा तेरा जल रहा है बोल रहा कुछ नहीं थैंक यू पापा सिंगल सॉन्ग प्लैनेट मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे चार साल पूरे हुए एक्चुअली आई वांट टू से अ वेरी हैप्पी कांग्रेचुलेशन टू निधि जी एंड द होल टीम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम वर्किंग विथ एंड शी इज ग्रेट डायनामिक वूमन एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग वूमन एंड टू द होल टीम इज वेरी डायनामिक एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम विथ हर प्लैनेट मीडिया इज ग्रेट तो ग्लोबल जंक्शन बहुत अच्छे है क्योंकि मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है बहुत ग्रेट इट्स आउटस्टैंडिंग ग्रेट वेन्यू फॉर लाइक मेनी थिंग लाइक बर्थडे पार्टीज सेलिब्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट सो इट्स ग्रेट एक गाना तो गा दीजिए प्लैनेट मीडिया के लिए दी मैम कम इन आ जाइए निधि मैम हाँ मैम दिल में हो तुम आँखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं दिल में हो तुम आँखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निधि जी Congratulations to the whole planet media. Thank you. मेरी भी इतनी ही लंबी जर्नी रही है प्लैनेट मीडिया के साथ मुझे भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं निधि के साथ एंड प्लैनेट मीडिया के साथ एंड आई एम श्योर 400 साल भी हो जाएंगे अगर हम लोग रहे तो एंड आई थिंक कोई और जोड़ी रहे ना रहे निधि और मेरी जोड़ी हमेशा रहने वाली है बिकॉज आई रियली कांट डू विदाउट निधि
एंड ग्लोकल जंक्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे? ग्लोकल जंक्शन, आई एम वेरी हैप्पी कि निधि ने हमें यहाँ बुलाया, बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही अच्छी वाइब है, एंड ये वाली ग्लोकल में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ. आई हैव बीन टू द अदर ग्लोकल, सो आई एम ग्लैड टू बी हियर. एंड बर्थडे वीक है, कुछ प्लान किया रहेगा? यस, आई थिंक मेरी बर्थडे वीक की पार्टी तो निधि ने ही दे दी, तो आई थिंक एक पार्टी तो आज हो गई है, एंड बाकी एक सो निधि इज नॉट देयर फॉर माई बर्थडे, तो इसीलिए एक पार्टी यहाँ पे. एंड बर्थडे के दिन एक फाइनली इस बार मैं बहुत अच्छी पार्टी थ्रो कर रही हूँ. यूजुअली मैं अपना बर्थडे कम सेलिब्रेट करती हूँ, बट इस बार मेरे पास बहुत सारे रीजन से सेलिब्रेट करने. इसके अलावा हाल ही में आपने एक रियलिटी शो भी जीता है, आने वाले समय में बिग बॉस भी आने वाला है, खतरों के खिलाड़ी चालू है, झलक आने वाला है, कौन सा रियलिटी शो में नजर आओगे आप? इनफैक्ट ये रूमर भी चल रही है या ये बातें चल रही है कि आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया और आप जाने वाले हो, और मिका पाजी भी है. ये तो मुझे भी अभी पता लग रहा है, मीका जी से तो पूछना पड़ेगा, ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया यार. बट अभी हम दोनों, आई थिंक मैंने एक रियलिटी शो जीता है और शो से ज़्यादा बहुत कुछ और भी जीता है, तो आई थिंक अभी मैं वो इन्जॉय कर रही हूँ. पहले हार्डली इतना टाइम हुआ है शो जीते हुए, तो आई एम रियली हैप्पी कि अभी तो ये फेज़ है, एंड आई एम श्योर इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया ये रियलिटी शो जीत के कि एनी रियलिटी शो आई थिंक आई एम गोना डू वंडर्स. इसके अलावा किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं मिका दी वोटी जीतने के बाद? क्या लोगों का सवाल बढ़ चुका है कि आप शादी करोगे नहीं करोगे? आप क्या पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि आकांक्षा पूरी थोड़ा डेट भी करे, थोड़ा रोमांस भी करे, या वो मुझे सिर्फ दोस्ती में छोड़ देते हैं या शादी कराना चाहते हैं. आई थिंक मैं भी थोड़ा सा डेटिंग फेज भी इंजॉय करना चाहती हूँ, बस वही नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है. आकांक्षा से अगर पूछे पर्सनली शादी की लाइफ एंजॉय करना चाहती है, शादी के पहले की लाइफ एंजॉय करना चाहती है, या पहले कंफर्ट जोन बनाना है? बट डेफिनेटली कोर्टशिप पीरियड तो मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, और क्योंकि वो मैंने काफ़ी मिस कर दिया है अपनी लाइफ में, बहुत लंबे टाइम से सिंगल हूँ, सो आई थिंक आई वांट टू एंजॉय दैट डेटिंग फेज, एंड थोड़ा रोमांस हो लाइफ में तो मज़ा आता है. बट राइट नाउ इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट लाइक यू आर सिंगल, यू आर डेटिंग, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? बस जब गाड़ी को दोस्ती से आगे बढ़ाना पड़ता है, और वो भी जब इतनी लंबी दोस्ती हो, तो थोड़ा वक्त तो लगता है. एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी मच्योर्ड स्टेज पे हैं दोनों अपनी लाइफ के, तो किंडरगार्टन लव स्टोरी तो है नहीं कि टेडी बेयर और रोज और केक दे के कॉफ़ी पे डेट पे चले गए, तो आई थिंक उस चीज़ को बिल्डअप करने में टाइम तो लगेगा. आई एम ग्लैड कि मीका जी हैं मेरे साथ, तो काफ़ी कम्फर्टेबल है. इसके अलावा आकांक्षा जी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? यस, इनफैक्ट मैं क्या, हम दोनों ही बहुत बड़ा एक और धमाका करने वाले हैं, एंड आई थिंक लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप. मुझे लगता है बर्थडे मेरे लिए काफ़ी लकी, और ये बर्थडे वीक बहुत लकी है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लॉक हुई हैं, सो अभी आप लोग को तो पता लग ही जाएगा, बिकॉज आई एम गोना शेयर इट. हमने बर्थडे के दिन कुछ रिवील करने वाली हो? नहीं, बर्थडे के दिन तो सिर्फ बर्थडे पार्टी ही रिवील करूंगी, एंड यू ऑल हैव टू कम. एंड हमने देखा है काफी सारे सॉन्ग्स आपके वायरल होते हैं, एंड बहुत सारे सॉन्ग में एक चीज हमने कॉमन देखी है, आप लड़कों को धोखा दे देती हूँ. या ये मैंने सिर्फ लास्ट सॉन्ग में धोखा दिया था, और उसके पहले बेवफा तेरा मुस्कुराना में मेरी ड्राइवर के बेटे से शादी कर दी थी. तो मैं धोखा नहीं देना चाहती, बट आई थिंक जितने धोखे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ अपने गानों के जरिए. फैंस की मांग है कि यू एंड मीका बाजी शुड डू वन सॉन्ग टुगेदर, तो आई थिंक हम ये डिमांड बहुत जल्दी पूरा कर ही देंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, लव यू गाइस. गुड, कांग्रेचुलेशंस. अली जी, पहले तो प्लैनेट मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? 4 साल पूरे यही दुआ करता हूँ कि 4 के आगे और 0 भी लग जाए और बहुत आगे जाए, एंड बहुत अच्छा काम करते हैं प्लैनेट मीडिया, और भी अच्छा काम करते रहे, और आपको और हमें मिलाते जाए, और ऑडियंस के साथ और करीब लेकर आए. बहुत ही पैशनेट टीम है, बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है, बहुत अच्छे से वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं आर्टिस्ट को, और वो मैसेज भी पहुंचाते हैं जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट सब कुछ तो नहीं कर सकता. ग्लोकल जंक्शन के बारे में मैं, काफ़ी पुराना ब्रांड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, और जब तक मुझे बुक ना करें तब तक ठीक ही है. और क्या, इसके अलावा लॉकअप में काफ़ी प्यार मिला, OTT में, लाइक OTT में काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो आने वाले समय में OTT ही एक्सप्लोर करना चाहोगे इन फ्यूचर? वेल, मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है सितंबर एंड में, OTT पर ही एक वेब सीरीज़ आ रही है,
जिसमें मैं एक एसीपी हरियाणवी कॉप प्ले कर रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसी का इंतजार है और आई एम श्योर कि लोग एक अलग रूप में मुझे देखेंगे उसको, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। पर अली जी, हमने जब आपको बिग बॉस में देखा था तभी इस तरह का कुछ था नहीं, सोशल मीडिया द मीडिया द ओटीटी प्लेटफॉर्म जी, पर इस साल जो बिग बॉस आने वाला है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिग बॉस आने वाला है, इस साल देख पाएगा आपको बिग बॉस इंशाल्लाह। वेल ओटीटी सिनेमा घरों पे हैवी आई थिंक कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन जो मज़ा सिनेमा में मूवीज़ देखने का है वो ओटीटी पे कभी नहीं होता है। बहुत सारी मूवीज़ है जो मैं नहीं देखता हूँ ओटीटी पर, मुझे सिनेमा में ही मूवी देखना अच्छा लगता है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को सिनेमा में ही मूवीज़ देखनी चाहिए। हाल ही में अंजलि अरोरा का एक गाना आया, पहला गाना आया, आपने देखा कैसा लगा होगा? मैं अंजलि मेरी बहन को ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ उसके गाने के लिए, सैया दिल पर आना दिल में आना रे, और बहुत क्यूट लग रही है, बहुत अच्छा गाना है और काफ़ी अच्छा भी कर रहा है, मैंने एक दो अपने शोज़ में उसे प्ले भी किया है, तो आई विश ऑल द बेस्ट और भी तरक्की करते जाए वो ज़िंदगी में। वेल अभी मैंने बताया एक वेब सीरीज़ आ रही है उसका नाम है लिबास, मैं एसीपी करण अलावत प्ले कर रहा हूँ, तो उसका इंतज़ार है, एक महीने में वो भी आ जाएगा। Thank you. Thank you.